Hello, my dear lovely friends. Today I am here again with on this MISS platform. I am Dr. Arun Swami with yet another a success story of this missed journey for this FMG exam January 2023. This time with me, that's one of the doctor from the Grigol Rubakidze University, Georgia, the Dr. Sharans Rajavat, and another one is also from the same university, Grigol Rubakidze University from Georgia, Dr. Bhavesh Chaudhary. Dr. Sharans Rajavat has been secured in this exam 191 and Dr. Bhavesh scored 177 in this FMG January 2023 exam. So let's talk about this success story on this missed platform. So let's start with Dr. Sharans Rajavat. Sharans, beta, aapne yahan pe jab padha to aapko kaisa laga? Missed ke andar jab aap aaye, sabse pehle aap bataiye ki missed ke bare mein aapko kaisa laga? Thank you, sir. First of all, I will thank you to all the MISS team and especially the Arun Swami sir. He helped me so much and motivate everyone. And मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पढ़ के, यहाँ पे समझ के कि यहाँ पे हिंदी वाला बैच सिर्फ एक यही है MISS का, और यहाँ पे पढ़ने में बहुत मजा आया और अलग ही लेवल के अंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पे. आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं टीचर से, अलग से बात कर सकते हैं उनसे, और वो हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे. और सर तो हमारे एक अलग ही लेवल पे जाके हमको सब हेल्प करते थे. आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप सर पूरा पढ़ाने को तैयार होते थे और काफ़ी हेल्प करी और काफ़ी अच्छा लगा. बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर भावेश बेटा. आपका कैसा सफ़र रहा इस मिस्ट के साथ में? मिस्ट की जयपुर बैच के अंदर एक तो स्पेशलिस्ट हिंदी मीडियम में पढ़ा, जो बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है और जो उसको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ एक प्लेटफॉर्म मिस्ट ऐसा है जयपुर का जहाँ पे बच्चा हिंदी में समझ सकता है. यहाँ पे हर टीचर्स अपने एक बच्चे की तरह वो पढ़ाते हैं और यहाँ पे सर की एक्सप्लेनेशन हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि नॉलेजेबल है सबसे. और अरुण सर स्पेशली थैंक टू अरुण सर, क्योंकि अरुण सर ने हर एक टाइम मोटिवेट कर देते बच्चे, हर एक क्लास में आके क्लास के एंड में आके मोटिवेट करते थे कि बच्चे को क्या पढ़ना है अपने एफएमजी के बारे में. हर एक दिन उनको मोटिवेट करते थे, इसके वजह से हम उसको सर को थैंक यू बोलते. थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा. ये सब आप लोग की मेहनत थी और उस मेहनत का परिणाम आज आज सबके सामने है, जो एक हर बच्चे की एफएमजी स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि इस एग्जाम को क्लियर करके अपना नाम रोशन करे, अपने घर वालों का नाम रोशन करे. बेटा आप लोगों ने वो मुकाम आज पा लिया, इसके लिए I would like to thanks from entire team mixed that you have achieved your goal in this time. Yes, sir. मैं दूसरी चीज़ ये जानना चाहूँगा बेटा भावेश आपसे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है बच्चों का कि मिस जयपुर सेंटर के अंदर जो फैकल्टी हैं सर, क्या वो वही फैकल्टी हैं जो दिल्ली के अंदर पढ़ाती हैं या कोई दूसरी फैकल्टी आती हैं या क्या? जो दिल्ली में जो फैकल्टी सर पढ़ाते हैं वो ही सर जयपुर में आके वो ही सर पढ़ाते हैं. हर एक टीचर सर्जरी के सर जो है गुप्ता सर है वो भी यहाँ पे सेम पढ़ाते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है. दिल्ली की बैच है उसमें जो पढ़ाते हैं वही बैच आके जयपुर में. क्योंकि कई बच्चों का एक कंसर्न होता है कि सर हम दिल्ली के अंदर जो फैकल्टी है क्या हमारे को वही मिलेगी कि नहीं, तो मैं आज इस मिस्ट के प्लेटफॉर्म से बड़ा सबको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने भी अभी कहा कि जो फैकल्टी मिस्ट की एक सेंटर पर पढ़ाती है वही फैकल्टी मिस्ट के सारे सेंटर पर पढ़ाती है, और जो मिस्ट की अपने सेंटर्स हैं वो दिल्ली है, जयपुर है, त्रिवेंद्रम है, चेन्नई है, हैदराबाद है, सभी सेंटर्स पे सारी फैकल्टी रोटेट की जाती है. यस सर, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मिस टीम हर जगह. सरांश आप बेटा जब आप तैयारी कर रहे थे, क्लासरूम स्टडी आपकी चल रही थी, तो उस समय क्या क्या ऐसी डिफिकल्टीज आई थी जब आपको लगने लगा कि यार अब की बारी भी क्या कुछ होएगा या नहीं होएगा, ऐसा क्या कोई मोमेंट जो आपको याद हो? सर मुझे वो वक्त याद आता है जब मेरे टेस्ट में नंबर डाउन होते जा रहे थे. शुरू में जब टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे उसमें तो एक एक सब्जेक्ट जब आता था तब तो बहुत अच्छे नंबर आते थे, पर जैसे जैसे सब्जेक्ट कम्बाइन होने लगे तो बहुत नंबर भी अपने आप डाउन होने लग गए, तो मैं स्ट्रेस में आ जाता था सर. वो डिफिकल्टी लगती थी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, कई बार नेगेटिव ज़्यादा होने लग जाते थे, तो वो डिफिकल्टी हुई सर. बाकी फिर टीचरों से बात करी तो उन्होंने बताया कि कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से रिवाइज करना है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है,
तब समझ में आया और उसके बाद काफी इम्प्रूवमेंट। ओके जो भावेश अपने यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं जैसे बच्चे के जो हर हफ्ते अपन पढ़ाते हैं वो एवरी ट्यूसडे उसका अपना टेस्ट होता है, वो कितने हेल्पफुल है बच्चों के लिए? वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि एक वीक में जो भी सर पढ़ाते हैं ना वो वीकली टेस्ट होता है ना तो वो पूरा रिवाइज कर पाता है, और वीकली टेस्ट होता है तो उसके अंदर बच्चे को पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक मेरा वीक है, उस टेस्ट से पता चलता है। तो वो टेस्ट लेने से बच्चा टेस्ट लेने के बाद एनालिसिस करेगा तो कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, क्यों रॉन्ग हो रहा है, तो वो एक हफ्ते बाद जो टेस्ट चलता है तो उसमें अपना वो चीज़ गेन कर पाए। तो वीकली टेस्ट जो चलता है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, और उसको टेस्ट तो देना जरूरी है पर टेस्ट को एनालाइज करना वो बहुत इम्पोर्टेंट, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जो भी टेस्ट जब बच्चा देता है तो कई बार क्या होता है सिर्फ वो टेस्ट दे के ही उसको अलग हो जाता है, ऐसा नहीं, जब भी कोई भी बच्चा टेस्ट दे रहा है उसको उस चीज़ का एनालिसिस भी करना जरूरी है कि जो क्वेश्चन अपना सही हुआ वो तो हुआ लेकिन जो गलत हुआ वो गलत क्यों हुआ। अगर अपन उस गलती को पकड़ लेंगे तो वो गलती अपन एग्जाम दे के दिन नहीं गए, और यही अपना इस एग्जाम को देने का मोटिव। यहाँ पर जब अपना लास्ट मोमेंट चल रहा था उस समय अपन मॉक टेस्ट जो अपने चल रहे थे मिस के बेटा, तो आपने जो मॉक टेस्ट दिए और अपन ना जो पैटर्न होता है मॉक टेस्ट का वो सेम होता है जैसा कि जो एग्जाम के अंदर पैटर्न होता है कि वही टाइमिंग होती है, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है, 300 क्वेश्चन आते हैं, 150 के 2 पेपर होते हैं, और सुबह 9 बजे पेपर स्टार्ट होगा और वो पेपर आपका 11:30 बजे फिनिश होगा। देन अगेन आपका फिर दिन में दोबारा पेपर स्टार्ट होगा, जो टाइमिंग एमसीआई का जैसे चलता है एग्जाम का सेम उसी पैटर्न के ऊपर अपने मॉक टेस्ट होते हैं। वो मॉक टेस्ट जब आपने दिए तो टोटल इस बार शायद 6 मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए थे, 7 मॉक टेस्ट दिए थे, तो वो जो 7 मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए बेटा वो कितने हेल्पफुल थे? सर मॉक टेस्ट से सर बहुत हेल्प हुई सर, एक तो सबसे पहले उसमें टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हेल्प हुआ। Exactly. जो बच्चों के साथ में होता है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन छूट जाते हैं, टाइम खत्म हो जाता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं। यस सर, तो सर टाइम मैनेजमेंट का लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, और एग्जैक्ट कई क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए सर, जो मॉक टेस्ट में आए वो एज इट इज रिपीट हुए हैं कई क्वेश्चन। दूसरा जो वर्कबुक स्टडी अपने यहाँ मिस्ट के अंदर होती है डॉक्टर भाई, वो वर्कबुक स्टडी बेटा कितना यूजफुल है क्या आपको लगा? जो वर्कबुक स्टडी जो है जैसे कि वहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं तो साथ साथ में लिखने को बोलते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो सर पढ़ाते हैं और साथ साथ उनका ध्यान भी रहता है, तो वर्कबुक जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्पफुल रहती है। और मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूँगा एग्जाम के FMT के एंड डेट तक वो वर्कबुक को छोड़ना नहीं। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि एक जो वर्कबुक अपन स्टार्टिंग से वर्कबुक पढ़ते आते हैं तो अपनी विजुअलिटी बन जाती है, अपनी इमेज छप जाती है, जितनी बार उस चीज़ को बार 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 रिवाइज करोगे तो वो चीज़ को आप वहाँ पे एग्जाम के टाइम वो पेज आपको दिमाग में आएगा सीधा। तो वर्कबुक को छोड़ना नहीं है एट द मोमेंट, फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है, फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, कई क्वेश्चन देख के बिल्कुल याद आ रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आउला या प्रेयर्स वगैरह जो क्वेश्चन आए थे बिल्कुल एज इट इज वो ऐसा लग रहा था, और देख के मतलब की बहुत खुशी हो रही थी। क्या बात है, जो यहाँ फैकल्टी ने आपको पढ़ाया उससे पेपर कितना मिला? सर ऑलमोस्ट ना कहते भी सर 90% पेपर अपना वर्कबुक से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इट मीन्स जो फैकल्टी अपने यहाँ पढ़ाती है वो फैकल्टी जो पढ़ाती है वो मोर देन एनफ होता है बच्चों के लिए पास होने के लिए? मोर देन, यस, इज फुली सफिशिएंट। मतलब बच्चे को कोई दूसरा ऐसा मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है, अगर वो सिर्फ अपना इस फोकस हो जाए और सिर्फ इस वर्कबुक को अगर वो स्टडी कर जाए तो क्या लगता है बेटा वो पास हो जाएगा? अच्छे मार्क्स से पास होंगे, डेफिनेटली पास, 100%। क्योंकि मिस्ट के अंदर जो सर पढ़ाते हैं एकदम कंसाइज और मटेरियल बहुत ही अच्छा, और वो मटेरियल बार बार रिवाइज करेगा तो वो बच्चा 200 के प्लस मार्क्स भी रख सकता है। उस टाइप का मटेरियल बनाया हुआ है, और मैं सजेस्ट करूंगा मिस्ट का जो वर्कबुक है वो मोर देन इनफ है FMG स्टूडेंट्स के लिए। ओके वेरी, कोई ऐसी बात डॉक्टर भावेश जो आज आप अपने आपको, क्योंकि अभी काफ़ी जूनियर साहब के और काफ़ी कलीग साहब के अभी देख रहे होंगे, कोई ऐसी बात बेटा जो आप इस मिस्ट के प्लेटफॉर्म से उन तक पहुंचाना चाहें, क्योंकि उनका भी आने वाले टाइम में यही ड्रीम है कि वो भी इस एग्ज़ाम को पास करें, कोई ऐसी बात जो आप उनको आज अभी कहना चाहते हैं? मेरे जूनियर्स जो है, बहुत सारे जूनियर्स ने मुझे सजेस्ट भी किया है, कई सारे जूनियर्स मेरे मिस्ट में स्टडी भी करते हैं, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट रहेगा, तो मैंने उसको सजेस्ट किया है कि आपको शॉर्ट टाइम के अंदर
जो आपको रिजल्ट लाना है तो मिस्ट बेस्ट प्लेस है, क्योंकि मिस्ट के अंदर ही आप करोगे तो आप उससे एफएमडी क्लियर करने के, तो मिस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तो जिससे आप ये एग्जाम पास कर पाओ। तो मैं सबसे जूनियर्स को सजेस्ट करूंगा कि मिस्ट सफिशिएंट है एफएमडी के लिए। मिस्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस, मिस्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस बेटा। बहुत कोई ऐसी बात शरण आपको भी, अभी काफी लोग अभी सुन रहे होंगे, कोई ऐसी बात जो मिस्ट के लिए आप कहना चाहते हैं? सर मिस्ट इज द बेस्ट एंड डोंट गो एनीवेयर एल्स, टेक मिस्ट एंड चूज द मिस्ट एंड यू विल डेफिनेटली पास, यू विल डेफिनेटली पास, यू विल पास, यू विल पास। क्योंकि बेटा मैं जब क्लास में भी आता था, आप लोगों को देखता था, तो मैं कई बार आप लोगों को भूल भी दिया करता था कि बेटा क्या कर रहे हो, पढ़ना है अपने को पास होना है। और यही चीज अपने को एक पंप अप कर दिया करती थी शायद आप लोगों को, और आप वापस से एक बार जो बिल्कुल डाउन हो रहे वापस से अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं और फिर से लग जाते थे। नहीं बेटा बहुत बढ़िया, आई वुड लाइक टू वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट फ्रॉम एंटायर टीम दैट यू हैव सक्सेस दिस एग्जाम इन दिस जनवरी एफएमजी 2023। एंड मैं चाहूंगा बेटा कि आप अपना नाम, अपने घर वालों का नाम, अपने मिलने वालों का, पेरेंट्स का, सबका नाम आगे जीवन में ऐसे रोशन करते हैं। मिस के जर्नी आप लोगों के साथ में जो रही, आज आप लोगों ने इस मिस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस चीज को बेटा हमारे साथ में साझा करा, और काफी लोग अभी इस चीज को देखेंगे और वो भी इस चीज को देखेंगे कि नहीं जिस तरीके से आपने इस बात को पाया है, शायद वो भी उस चीज को अगर फॉलो कर ले तो वो भी उस ड्रीम को वेरी इजीली अचीव कर दे। डेफिनेटली सर, तो आपके साथ मिस्ट हमेशा जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस मिस्ट प्लेटफॉर्म विद मी। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग ओवर दिस सक्सेस स्टोरी ऑन दिस मिस्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम डॉक्टर सारांश राजावत एंड डॉक्टर भावेश चौधरी, बोथ आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम जॉर्जिया। थैंक यू।